तो आज की मंडे नाइट हो चुकी है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हुई है, आगे देखते हैं क्या हुआ। हेलो फ्रेंड, दिस इज यू वाचिंग रसल टेक डाउन। तो ये रे मिस्टीरियो के साथ, और रे मिस्टीरियो आते हैं, उसी बीच वहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो उन्हें वहाँ टोकते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कभी उनकी परवाह नहीं की और अब वो बैड मनी का उपयोग कर रहे हैं जैसे वो उनका इस्तेमाल किया करते थे। और फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो है बैक जो फुटेज थी पिछले हफ्ते जो रॉ में जो बनी पे अटैक हुआ उसे दिखाया। उसके बाद रे ने कहा कि ईस्टर पर बनी से बात हुई है और वो जजमेंट डे के लिए वापस आएंगे। रे ने फिर दोबारा से डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच के लिए चुनौती दी। डोमिनिक ने मना किया, लेकिन जो है रे मैच चाहते थे। तो फिर वो फिन बैलर आते हैं और वहाँ पे फिन जो डोमिनिक मिस्टीरियो के बिहाफ में वहाँ पे रे मिस्टीरियो के साथ उनका मैच होता है। और मैच काफ़ी अच्छा रहा, दोनों ही सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे। और उसके बाद जो है डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो है रेफरी जब वहाँ नहीं देख रहे थे, डिस्ट्रैक्ट थे, उसी बीच जो है स्टील चेन जो थी उनके हाथ में उससे अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। उसके बाद उसका फ़ायदा उठाते हुए फिन बैलर अपना फिनिशिंग लगाते हैं और रे मिस्टीरियो को हरा देते इस मैच में। आगे बढ़ते हैं, लीटा का है जो पीछे जो बैक स्टेज में उन पर हमला कर दिया गया, एक उनको पता ही नहीं चला किसने हमला किया। उसके बाद जो है वहाँ पे जो रकेल और रजक्यू और ली मॉर्गन थी वहाँ पे मौजूद थी वहाँ पे, तो बेकी लेंच जो आती हैं उनको लगता है कि उन्होंने ही हमला किया। उसके बाद जो है फिर ली मॉर्गन और रकेल का मैच होता है, लेकिन जो लीटा यहाँ पे इंजर्ड थी उसके बिहाफ में जो है एडम पीस ने ट्रिस स्टेटस को उनके जगह रख दिया। और बेकी लेंच और ट्रिस स्टेटस वर्सेज रकेल लेजिक्यू और ली मॉर्गन का मैच देखने को मिला, जिसमें ली मॉर्गन ने WWE हॉल ऑफ फेमर ली ट्रिस स्टेटस को वहाँ पे पिन कर लिया। और न्यू वुमेन्स टैग टीम चैम्पियंस बन चुकी हैं हमारे रकेल लेजिक्यू एंड ली मॉर्गन। और मैच ख़त्म होने के बाद सबको हैरान कर देती हैं ट्रिस स्टेटस जो है, हमला कर देती हैं पीछे से जो हमारी द मैन बेकी लेंच के ऊपर। उसके बाद बैक स्टेज जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वहाँ से चली जाती हैं। अब आगे और ये देखने को मिलेगा क्या होता है बेकी लेंच और ट्रिस स्टेटस के बाद। आगे बढ़ते हैं, मैच होती है बॉबी लैशली बनाम बॉसन रीड का मैच होता है, लेकिन जो है मैच में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भावी थे, दोनों ही हैवी वेट थे और काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुई है। लेकिन यहाँ मैच के जो है हमारे बीच यहाँ पे जो है मैच का रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि वो दोनों जो हैं बॉबी लैशली और बॉसन रीड दोनों ही डबल काउंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही रिंग के नीचे थे और आपस में लड़ाई कर रहे थे। और डबल काउंट होने के बाद मैच का कोई रिजल्ट नहीं होता है, ड्रॉ हो जाता मैच। उसके बाद जो है बॉबी लैशली और बॉसन रीड जो है रिंग के नीचे ही अपने फाइट को जारी रखते हैं और ज़बरदस्त एक दूसरे पर हावी होते हैं। उसके बाद फिर जो है क्रू मेंबर्स और रेफरी जो आते हैं उन्हें छुड़ाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोडी रोड्स आए यहाँ पे अपनी रसलमेनिया 39 रोमन रेंस के हारने के बाद जो है प्रशंसकों से काफ़ी माफ़ी मांगी। उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो उन्होंने अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाया। उसके बाद फिर कोडी ने फिर पॉल हेमन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने रीमैच करने के लिए जो है अर्जित करने के मतलब अर्न किया है। तो कोडी को गुस्सा आ गया कि उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें वास्तव में वर्षों मतलब ईयर्स बाय ईयर्स यहाँ पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल किया उसे कहा। उसके बाद वो अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि इसका करियर का कोई नुकसान का कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कोडी इससे सहमत नहीं थे। कोडी रोड्स जो हैं अब जो है हॉल ऑफ फेमर के बारे में बता रहे थे किस तरह उन्होंने अपनी समाप्त की है, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसका गुस्सा उनके साफ नज़र आ रहा था उनके चेहरे पे। और उसके बाद वो ब्रॉक लेसनर के बारे में बोलते हैं कि किस तरह उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बने हैं
WWE में, UFC में और भी कई प्रमोशंस में उनका नाम है, वो एक हॉल ऑफ फेम मटेरियल है। लेकिन अब जो है उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की है यहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर हमला करके, और अब कोडी रोड्स उनको नहीं छोड़ने वाले। भले ही उनसे सब डरते हैं, कोडी रोड्स बोले कि मुझे डर है लेकिन मैं उनका सामना करूँगा और उन्हें साबित करूँगा कि अमेरिकन नाइटमेयर कोई ऐसा नहीं है जो डर के मारे भाग जाए उनसे। और उन्होंने बैकलैश में चैलेंज किया है। अब नेक्स्ट वीक जो है ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, और क्या उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कोडी रोड्स के बैकलैश को, और आगे हमें नेक्स्ट वीक WWE रॉ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो है उसोस वर्सेस अल्फा एकेडमी का मैच देखने को मिला, जिसमें उसोस ने अल्फा एकेडमी को हरा दिया है। लेकिन दोनों ही टीमों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। चैट केबल्स अपने आप में एक ज़बरदस्त मटेरियल हैं WWE के लिए, और लगातार वो रॉ पे काम कर रहे हैं। हर हफ्ते उनका मैच होता है और काफ़ी प्रूफ करते हैं वो मैच में। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यू स्काई वर्सेस न्याईम और पाइपर न्यूविन का रॉ में चैम्पियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए, जिसमें यू स्काई ने ज़बरदस्त तरीके से इस मैच में जीत हासिल की और वो अब चैलेंज करने वाली हैं बियांका ब्लेयर को फॉर द रॉ मेंस चैंपियनशिप। और अब देखते हैं क्या होता है। बेली और डेकोटा काई ने भले ही यहाँ पर जश्न मनाया, लेकिन जो बेली थी उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। अब क्या होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, क्या बेली डैमेज कंट्रोल को ख़त्म करेंगी कि क्या करती हैं अब आगे आने वाले रॉ में या मेन इवेंट्स में, ये साफ चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोलो सिकोवा वर्सेस Undisputed Universal Tag Team Champions Kevin Owens का मैच हुआ सोलो सिकोवा से, और क्या ज़बरदस्त मैच हुई है। ये परफेक्ट मेन इवेंट था ये, जिसमें फिर से यहाँ पे जो है उसोस ने जितवा दिया अपने भाई को। फिर से यहाँ पे बेईमानी हुई है, लेकिन बेईमानी हुई है तो हुई है, लेकिन सोलो सिकोवा इज़ अ विनर। और उस मैच के बाद जो हैं लगातार उन पे वार किए जा रहे थे, उन्हें पता था कि मैट्रियल और सेमी जेन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। सेमी जेन और मैट्रियल वहाँ से दौड़ते हुए बैक स्टेज से आए और सीधे उन पे हमला किया, उसके बाद तीनों को नीचे फेंकते हुए आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट स्मैकडाउन में हमें एक ट्रिपल टैग टैग मैच देखने को मिल सकता है, सोलो सिकोवा एंड द उसोस वर्सेस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस सेमी ज़ेन केविन ओवेंस वर्सेस एंड टैग टीम पार्टनर इज मैटेरियल। तो ज़बरदस्त मैच ज़बरदस्त होने वाली है, स्मैकडाउन में भी मिलते हैं। और रॉ की रेटिंग्स के बारे में आगे बात करेंगे, काफ़ी अच्छा रहा आज रॉ का साथ। और आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसी तरह हमारे चैनल को बनाए रखें, और कृपया कर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना नाम बताएं, अपना पता बताएं और सब कुछ यहाँ पे। और एक ज़बरदस्त कुछ बड़ा होने वाला है चैनल पे, आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह कुछ मिलने वाली है, और इस पे बने रहें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स एंड थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल रसल टिकटॉक। थैंक यू।